गाइस, किसी ने तो सोचा होगा कि आगे आने वाले टाइम में पानी भी बिकेगा, और आज बिक भी रहा है। आज लोग पानी को खरीद भी रहे हैं। आज जो कि इंडियन मिनरल वाटर की इंडस्ट्री में बिस्लरी नंबर वन कंपनी बन चुकी है। तो बिस्लरी कैसे बनी इतनी बड़ी कंपनी, बिस्लरी की मार्केट वैल्यू क्या है, बिस्लरी का फाउंडर कौन है, तो आज के इस वीडियो में जानेंगे बिस्लरी की फुल केस स्टडी। तो बिना कोई देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोहित कुमार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। साथियों, बिस्लरी की शुरुआत होती है मुंबई के थाने से। देखिए गाइस, बिस्लरी को जो आप इंडियन ब्रांड कह रहे हैं, ये इंडियन ब्रांड बहुत बाद में बना है। ये पहले फॉरेन ब्रांड था, और ये पहले पानी नहीं बेचता था, ये बेचता था मलेरिया की दवाइयां। इस मलेरिया की दवाई को बेचने वाले बिस्लरी के फाउंडर का नाम था फेलाइस बिस्लरी, जो कि एक इटालियन बिजनेसमैन थे। उनके एक फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे, जिनका नाम था डॉक्टर रॉसिस। वो वैसे पैशन से तो डॉक्टर थे, लेकिन उनका माइंड काफी बिजनेसमैन लेवल का था। तो 1921 में फेलाइस बिस्लरी की डेथ हो जाती है। फिर डॉक्टर रॉसिस जो है इस बिस्लरी कंपनी को वो मिनरल वाटर की इंडस्ट्री में उतारते हैं। डॉक्टर रॉसिस के एक दोस्त हुआ करते थे, जो की बिस्लरी कंपनी के लीगल एडवाइजर भी है। उनका एक बेटा था जिनका नाम खुशरू संतूक था। उन्होंने सोचा की आगे आने वाले टाइम में पानी भी लोग खरीदेंगे, इसलिए बिस्लरी जो है आज इंडिया का नंबर वन वाटर ब्रांड बन चुका है। तो ठीक 1965 में खुशरू संतूक ने मुंबई के थाने में बिस्लरी का वाटर प्लांट लगाया, और वहां से इंडियन मार्केट में पहला कदम रखा। तो बिस्लरी ने जब इंडियन मार्केट में कदम रखा, तो उसने सबसे पहले रिचेस्ट पर्सन को टारगेट किया। बिस्लरी के जो प्रोडक्ट्स थे वो होटल्स और रेस्टोरेंट में ही प्रोवाइड किए जाते थे, क्योंकि वहां से ही रिचेस्ट पर्सन को टारगेट करा जा सकता था। वहीं से रिचेस्ट पर्सन को इस प्रोडक्ट की आदत लगवाई जा सकती थी। तो बिस्लरी के प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा लोग सोडा को यूज, सबसे ज्यादा सेल सोडा की होती थी। लेकिन फिर खुशरू संतूक ने सोचा कि हम अगर रिचेस्ट पर्सन को टारगेट करेंगे तो हम इसको ब्रांड नहीं बना सकते। तो उन्होंने बिस्लरी के प्रोडक्ट को आम आदमी तक भी पहुंचाने की कोशिश करी, लेकिन तब भी उनके सबसे ज्यादा सोडा की सेलिंग होती थी। तो खुशरू संतूक को पानी का ये जो बिजनेस था ये ज्यादा जमा नहीं, तो इस बिजनेस को बेचने के बारे में सोचने लगे। खुशरू संतूक ने इस बिजनेस को बेचने के बारे में सोचा, तो ये खबर ऑल ओवर इंडिया में काफी तेजी से फैल गई। 1969 में पार्ले कंपनी के फाउंडर रमेश चौहान ने बिस्लरी को 4 लाख रुपए में खरीद लिया था। अब 1970 का दौर था, 1970 में पार्ले कंपनी को काफी एफर्ट्स करना पड़ा कि ये जो पानी है, इस पानी को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। उन्होंने पानी को रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, ढाबा, ऐसे ही तमाम जगह पर प्रोवाइड करने की कोशिश करी, क्योंकि यहाँ पर पीने के लिए साफ पानी मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, और यहाँ पे लोगों को मजबूरी में बिस्लरी की वाटर बोतल को खरीदना पड़ता था। इसी के कारण बिस्लरी जो है इंडिया का नंबर वन ब्रांड बना वाटर की इंडस्ट्री में। आज बिस्लरी की टोटल मार्केट वैल्यू $135 मिलियन है, और बिस्लरी ने 2023 में 2300 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया है। और तो और बिस्लरी के टोटल जो है डिस्ट्रीब्यूटर 6000 है, और ट्रक डिस्ट्रीब्यूटर 7500 हैं। बिस्लरी के 150 से भी ज्यादा वाटर प्लांट्स हैं, और इसके काफी सारे आउटलेट्स हैं। पूरी इंडियन मार्केट को इन्होंने कवर कर रखा है। तो ये थी गाइस बिस्लरी की फुल केस स्टडी जो कि मैंने आपको बताई। तो आई होप आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।